समाजवादी पार्टी आज तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही थी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता बाहर निकले, उन सभी को इको गार्डन भेज दिया गया। इस समय हम समाजवादी का पार्टी कार्यालय के पीछे वाले गेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे वाले गेट को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को इनपुट प्राप्त हो रहा है कि अखिलेश यादव शायद पीछे के गेट से बाहर निकलेंगे या फिर उनके साथ तमाम वो कार्यकर्ता बाहर निकल कर कहीं पर पहुँच सकते हैं, ऐसे में आप देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर लगातार तैनात है और जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं सिर्फ खाली गाड़ी को बाहर जाने के लिए दिया जा रहा है। अगर गाड़ी में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसके बाहर निकलने पर पुलिस की ओर से रोक लगाई जा रही है कि ऐसा ना हो ये कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर पहुंच सकें। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 4 दिन तक अपने प्रदर्शन को रखने की बात करी थी, कल ये प्रदर्शन किस तरीके से निकाल पाते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।